फाइनली डेली ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और फर्स्ट डेली ब्लॉग में ही फाट लग चुकी है। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टफ है। आज ही आपको रिकॉर्ड करना है, आज ही आपको एडिट करना है और आज ही रात को नहीं तो कल सुबह आपको वीडियो डालना ही होता है। और एक चीज़, ये वीडियो फर्स्ट वीडियो में मैं वीडियो का एंड करना भूल गया। आप मैं बोलता हूँ ना, बी हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, बूम, भूल गया। फाइनली नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और ब्लैक कॉफ़ी के साथ। वर्कआउट के पहले ब्लैक कॉफ़ी लेना ज़रूरी है। चलो फिर मैं मेरा कॉफ़ी पी लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। फाइनली डेली ब्लॉग स्टार्ट हो चुके हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बट आज मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगा वर्कआउट के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं हमेशा मेरे डेली ब्लॉग का स्टार्ट वर्कआउट से करूँ। अगर ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट या ऐसा कुछ मैं वर्कआउट करता हूँ उसमें कुछ टिप्स देने की ज़रूरत पड़ती है तो आई विल डेफिनेटली शूट दैट। चलो फिर 9:30 हो गया, तो अभी जैसे वर्कआउट हो गया तो निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, घर पर नहा धो के रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि 10 बजे, आज मंडे है तो 10 बजे ऑफिस भी है। और एक चीज़, मैंने मेरे डंबल्स के लिए नई जगह ढूंढ ली है, मतलब नहीं टेम्पररी जगह, ये यहाँ पे ही रहेंगे मेरे डंबल्स। अगर मेरे बिल्डिंग में से किसी को यूज़ करना है, कोई आता है ऊपर टेरेस में वॉक करने या कुछ भी वर्कआउट या कुछ भी करने, तो ये यूज़ कर सकता है। और अगर आपके पास हो तो हम यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, तो किसी को यूज़ करना है तो कर सकते हैं। ये सब वेट मैं घर पे लेके नहीं जा सकता, क्योंकि मैं घर पे ले गया तो मेरे को नेक्स्ट डे वापस लेके आना पड़ता है ऊपर। चलो आज का वर्कआउट तो हो गया, बहुत ही पम्प्ड अप फील हो रहा है क्योंकि आज मैंने लेग्स मारा। अभी आज लेग्स मारा है तो पम्प्ड अप फील हो रहा है, कल सुबह पता चलेगा जब भी मैं पैरों पे खड़ा भी नहीं रह पाऊँगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एकदम नहा धो के एकदम रेडी होके नाश्ता करने बैठा ही था, वैसे ही मेरे को कॉल आया ऑफिस से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो करना है, तो मैं वो करने बैठ गया। और करते करते बहुत टाइम हो गया और पता ही नहीं चला। अभी बज रहे 6, मुझे जाना है किधर डिलीवरी लेने, तो मैं वहाँ पे जाके जाऊँगा। आज ब्लॉग की शुरुआत अच्छी हुई थी, ब्लॉग की एंड भी बहुत अच्छे से होगी। डेली ब्लॉग करना बहुत टफ है, अब पता चल गया, डेली ब्लॉग करना बहुत टफ है क्योंकि कंटेंट नहीं मिलता आपको। कंटेंट मेरे को भी किधर जाना है बाहर, किधर डिलीवरी लेने और किसी को सरप्राइज़ देने। किसको सरप्राइज़ देने और क्या डिलीवरी देने, आपको दिखाता हूँ एक ट्रांजिशन के बाद। सोच रहे हो रेडी वेडी होके किधर, कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। देखो यार, तुम लोगों कोई काम धंधा नहीं है क्या? दूसरा इधर ही रहते हैं। अच्छा, मास्क किधर है तुम दोनों का? क्यों, कोरोना से लड़ लिया क्या? हाँ, चलो बाय। बहुत दिनों से बाइक नहीं निकाला, मैं बहुत गंदा हो गया। ए, तुम लोगों के चलोगे क्या राइड पे? बाइक का ध्यान रखा करो भाई, झाड़ भी गिरने मत दो, ऐसी बहुत झाड़ आ गई। गांडा चलोगा तेरा सिस्टम नहीं कर दो इधर से देने दे दो। ए कर पटपट, तूने दो मास्क क्यों पहना है? बाहर जा रहे ना, डबल प्रोटेक्शन, आओ कोरोना कैसे घुसता है देखता हूं। ए बस आ रिश्तों के ये रूप बदलते हैं। टन 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 टन,
तुलसी ईरानी वॉज द फर्स्ट इंडियन ब्लॉगर। अभी हम जा रहे हैं हमारे नेबर को मिलने, बाजू के बिल्डिंग में रहते थे तो सोचा कि मिल लेते हैं और उनके लिए सरप्राइज है। तो हाय ले, कोई रिएक्शन ही नहीं ले, ए लियो बाहर ना ले। राइट राइट, विशेष कस करायचं? मी पण मध्ये ते पुढे तू डबल चिन आणि काका तू बाहेर दिसत। फॅमिली रियुनियन सेम पप्पांचा फोन आहे रे। हां सेम आहे पप्पांचा फोन। इथे जाव का बघ अवस्थी कर इथे तिकडे। हां हा धड नाही भाई साहब। ए गोड़ा गोड़ा विदेश, ए विदेशी चंडी से जस्ट जाके आया हूँ वहाँ पे, और अभी तो लैपटॉप के सामने बैठना पड़ेगा, फाइल ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, एडिटिंग करना पड़ेगा और आज के आज ही ब्लॉग डालना पड़ेगा यूट्यूब पे, क्योंकि दिस इज़ डेली ब्लॉगिंग राइट। सो वीडियो एंड यहाँ पे करते हैं। बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।